सामने मेरे सत्या भाई चल रहे, मेरा हेलमेट पहन के मैं उनका हेलमेट ले आऊँ गोप्रो टेस्ट करने के लिए। थैंक यू सत्या भाई, थैंक यू सो मच। तो गोप्रो टेस्ट करेंगे, आवाज़ टेस्ट करेंगे, सब कुछ सही रहा तो अपने हेलमेट में भी लगेगा ये, क्या बोलते हैं इस पब्लिक। तो हमने पकड़ लिया है साइकिल ट्रैक, साइकिल ट्रैक पकड़ लिया है हम लोगों ने शॉर्टकट। बहुत ट्रैफिक आप देख सकते हैं, फ्राइडे है फिर भी ट्रैफिक का कम बात ही नहीं है। तो एस्टिमेट आया है 6000 एंड थोड़ा ज़्यादा आया है मेरे बाइक के हिसाब से, बट और मैंने आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से हैंडल बार लगाया था 2000 का, मुझे लग रहा है मेरे को धोखा दे दिया उन्होंने हैंडल बार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक विश्वा उर्फ विश्वजीत दास एंड आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद पिछले व्लॉग्स में बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए। एंड अभी हम लोग निकल गए हैं एक नई व्लॉग की शूटिंग करने के लिए एंड आज है 26th of August 2022 फ्राइडे। अभी टाइम हो रहा है 10:10 है, तो अभी देख सकते कितना ट्रैफिक है यहाँ पे। सामने मेरे सत्या भाई चल रहे, मेरा हेलमेट पहन के मैं उनका हेलमेट ले आऊँ गोप्रो टेस्ट करने के लिए। थैंक यू सत्या भाई, थैंक यू सो मच। तो गोप्रो टेस्ट करेंगे, आवाज़ टेस्ट करेंगे, सब कुछ सही रहा तो अपने हेलमेट में भी लगेगा ये, क्या बोलते हैं इस पब्लिक। सब सही, देखते कितना ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है यार बेंगलुरु में, समझ नहीं आ रहा है, ट्रैफिक बढ़ते ही जा रहा है। निंजा एकदम मस्त लग रहा है, ग्रीन ब्लैक कलर में निंजा एकदम जबरदस्त। क्या सत्य भाई अभी हम जाएंगे क्या करेंगे, बहुत ट्रैफिक है बाबा, थोड़ा साइड दे दीजिए सर जी। अरे बाप रे भाई, जाम हो गया। तो हमने पकड़ लिया है साइकिल ट्रैक, बेंगलोर में साइकिल ट्रैक पकड़ लिया है हम लोगों ने शॉर्टकट। बहुत ट्रैफिक आप देख सकते हैं, फ्राइडे है फिर भी ट्रैफिक का कम बात ही नहीं है। इधर भी ट्रैफिक, मेन आउटर रिंग रोड मेट्रो काम चल रहा है, पूरा ट्रैफिक। अरे भाई कब पहुंचेंगे। तो गाइस आज का व्लॉग स्पेशली मैं आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग में, तो हम लोग जा रहे हैं हाईलैंडर मोटर्स HSR लेआउट। तो किस लिए जा रहे हैं, जब से मैंने बाइक ख़रीदा है, मेरे बाइक को ख़रीदे हुए 4 साल हो गया है एंड आज तक मैंने बाहर सर्विसिंग के लिए नहीं दिया कभी भी, बट आज ऐसा मौका है कि मैं अपने बाइक को पहली बार आउटसाइड वेंडर को दे रहा हूँ, रॉयल इनफील्ड सर्विसिंग को छोड़ के हम आउटसाइड वेंडर को दे रहे हैं। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर करेंगे। एंड अगर आप लोग भी हाईलैंडर में अपना बाइक देना चाहते हो, सो 150cc एंड अबव दे आर एक्सपेक्टिंग, 150cc के ऊपर कोई भी बाइक आप दे सकते हैं सर्विसिंग के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि आप जाके पहुंच जाओ, सर्विसिंग बाइक दे दो और आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको HLMotors.com पे जाना है, मैं लिंक अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लेना आप लोग। तो वहाँ लिंक पे जाना है, सर्विस अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करके बाइक नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारे डिटेल्स भरना है एंड उसी डेट भरना है, कौन से डेट पे आपका सूटेबल है एंड उसी हिसाब से आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आपका सर्विस बुक्ड है और उसी डेट को जाना है।
तो आज फ्राइडे है, वर्किंग डे है, फिर भी मैंने सोचा आज ही निकल जाते हैं, क्योंकि फिर कल एक्चुअली हाईलैंडर में बहुत ज़्यादा बुकिंग्स होता है वीकेंड के लिए, एंड बाइक एक दिन में नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा जाके मंडे को या संडे को, तो मेरे को नहीं चाहिए था। तो चलते हैं हाईलैंडर, वहीं पे जाके मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको मेरा नया मोटो व्लॉगिंग कैसा लग रहा है, आवाज़ कैसा आ रहा है, एंड यू आर लाइकिंग इट और नॉट, काइंडली डू लेट मी नो प्लीज़। बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे को बताएंगे सब चीज़ों के बारे में, एंड अगर ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा और मेरे को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो जल्दी ही एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप अपने पास होगा। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए, एंड अपना ख्याल रखिए। बस ट्रैफिक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ओ भाई साहब, क्या ट्रैफिक है भाई, आज फ्राइडे के दिन भी क्या होगा बेंगलोर का। इस मेट्रो ने पूरा ट्रैफिक बर्बाद कर दिया है, सही में क्या बताऊँ। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये पैच, ये मेट्रो मैं बोल सकता हूँ 1-1.5 महीने पहले इन्होंने ये पैच डाला था, फिर गड्ढे आ गए 20 दिन बाद फिर इन्होंने पैच डाला। अभी वो पैच आएगा, अभी तो ये तो कंक्रीट वाला रोड है, पैच आगे आएगा। वो मतलब मेट्रो काम दिन भर चलता है, रात को भी चलता है, तो उन्होंने डाला, रोड बनाया, फिर गड्ढे आ गए, फिर अभी फिर से पैच बनाया। मतलब इसमें मैं किसी का दोष नहीं दूंगा, मतलब सब सिर्फ गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा, इसमें दोनों का दोष है, सबका, सब पार्टीज का दोष है। तो गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट को दे रही है, किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल शुड कम एंड चेक कि कैसा चल रहा है काम वगैरह। ओ भाई गॉड, ऑडी, सॉरी BMW, सॉरी माई बैड, BMW 320i, क्या लगती है, बड़ा ज़बरदस्त, मज़ा आ जाता है देख के ये सब गाड़ियों को। भाई ट्रैफिक मूव ही नहीं हो रहा यार, नहीं मैं, मेरे को BMW के पीछे जाना है, इसलिए मैं पीछे जा रहा हूँ क्या। ओ माय गॉड, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, सत्य भाई आ गए हैं, सत्य भाई को लेके चलते हैं। अरे यार ये बस में नहीं, बहुत ट्रैफिक लगा रखा है, हम कर रहे हैं BMW को इनोवेटिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामने बस आ चुका है। क्या मौसम आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त मौसम हो रखा है, धूप निकला हुआ है, बादल छाए हुए हैं, गर्मी नहीं लग रहा है, एंड अच्छा है मौसम बेंगलोर का। कुछ दिनों पहले धूप बहुत आ रहा था, गर्मी लग रहा था, बट अभी ऐसा नहीं है। तो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, तब तक बने रहिए और कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है ये सेटअप। तो गाइस मैंने बाइक दे दिया है हाईलैंडर में, आप पीछे देख सकते हैं हाईलैंडर का, हाईलैंडर हो गया उस तरफ है। तो एस्टिमेट आया है 6,000 एंड थोड़ा ज़्यादा आया है मेरे बाइक के हिसाब से, बट ठीक है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, तो मैं आपको डिटेल में जब बाइक मिलेगा तब बताऊंगा क्या क्या चेंज किया है मैंने। तो मिलते हैं जब बाइक मिलेगा तब मिलते हैं, और ये वीडियो जब आप देखोगे तो दोनों मतलब बाइक मिलने में 3 दिन लगेगा, दोनों मिला के वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, एंड बाय बाय। नमस्कार, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैंने फ्राइडे 26 अगस्त को मेरा बाइक हाईलैंडर में ज़्यादा पीछा दे सकते हैं हाईलैंडर के स्टेडियम में। आज 29 अगस्त है, 6:30 हो गया है, अभी मैं आया था बाइक लेने के लिए, तो बाइक पे बहुत काम हुआ है, और पहली बार मेरे बाइक पे रॉयल इंटल थंडरबर्ड 350X उस पे 5,000 के ऊपर खर्चा आया है। तो क्या क्या खर्चा आया है और हाईलैंडर किस लिए मशहूर है,
वो सब आपको बताऊंगा मैं धीरे धीरे। मैं सर्विस इंजीनियर जो इंचार्ज है, जिन्होंने मेरे बाइक का सर्विस किया है, उनसे भी बात कराऊंगा क्या ये किया है और हाईलैंडर किस लिए मशहूर है। एंड इवन मेरे को हाईलैंडर सजेस्ट किया है फेमस यूट्यूबर बुल्लू भाई ना, बुल्लू बाइकर, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि हाईलैंडर चले जाओ, क्योंकि नॉर्मल जो रॉयल इनफील्ड सर्विस होता है या बाहर, वो लोग छोटे छोटे चीज़ें नहीं करते हैं। मतलब मैंने दो तीन जगह देखा है सर्विस करा के, पर छोटे छोटे चीज़ें नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं हाईलैंडर आया हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं और हाईलैंडर के बारे में बताऊँगा, तो जुड़े रहिए और बने रहिए वीडियो के। सही बोलो। तो दोस्तों, तो ये हाईलैंडर से मिस्टर मंजू एंड इज़ मिस्टर कौशिक, जिन्होंने मेरे बाइक का सर्विसिंग किया। तो अभी मंजू थोड़ा हाईलैंडर के बारे में बताएंगे। सो हाईलैंडर इज वन ऑफ टॉप फॉर मोटरसाइकिल्स प्लानिंग फॉर टूरिंग एंड ऑल ऑफ दिस। वी डू अ कंप्लीट मोटरसाइकिल सर्विस एज पर ओईएम स्टैंडर्ड्स। सो वी ऑल यूज ईदर द बेटर देन द ओईएम पार्ट्स और द ओईएम पार्ट्स। एंड मोस्टली द कस्टमर्स हु कम टू अस आर टूरिस्ट, सो वी अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट दे नेसेसरी इज and we make sure all the in and out of the motorcycle is taken care of. Okay, thank you. So like any resale of bikes, anything? We don't do any resale of bikes. No resale of bikes. And store is also there in First floor we have complete accessories for people who are planning for touring. Okay, thank you much. So guys, air filter change hua hai, air filter matlab रॉयल एनफील्ड का एयर फिल्टर चेंज हुआ है और जो प्लग चेंज हुआ है ये देख सकते हैं। और मैंने आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से हैंडल बार लगाया था 2000 का, मुझे लग रहा है मेरे को धोखा दे दिया उन्होंने। हैंडल बार मतलब मैं एक महीना हुआ लगाया था और वो कोशिश बोल रहे थे बैंड हो गया है, तो अब तो कॉल इन टू कॉल देने फायदा भी नहीं है। तो ठीक है, सॉफ्ट हैंडल बार लगा दिया है अभी। और क्या क्या चेंज हुआ है इसमें? कौन सा रबर भैया? मिनी पुल रबर चेंज हुआ। ठीक है, बस। तो गाइज, बाइक मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है। तो आप लोग अगर बैंगलोर में हैं और आपके पास एनी सीसी रहे, अबव 200 एनी सीसी, लाइक एनी बाइक्स यू हैव, यू कैन विजिट हाईलैंडर। एंड बुकिंग के लिए मैंने आपको बताया था लिंक HL मोटर्स, HL बाइक्स में बुकिंग करना है। और नवीन एंड मंजू कौशिक ऑल कैन हेल्प यू, गाइड यू, लाइक दे आर वेरी फ्रेंडली एंड यू कैन कम, लाइक यू कैन बुक ऑन द डे, यू कैन कम एंड दे लाइक इट विल टेक टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट 3-4 days, सो यू हैव टू बी पेशेंट विथ योर बाइक्स, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल सर्विस stations, so we have to wait. So thank you guys and dekhte rahiye video. Bye bye.